एनसीपी नेता शानू पठान को आज ठाणे की नौपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। शानू पठान की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में शानू पठान के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। दरअसल शानू पठान पर कोरोना काल के वक्त FIR दर्ज की गई थी और इसी मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और इसी वजह से मुंब्रा के बिलाल बुरहानी रहमानिया प्राइम हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होने की वजह से कई मरीजों की जान चली गई थी। मरीजों की मौत के बाद भड़के शानू पठान ने 20 अप्रैल 2021 को मनपा मुख्यालय के गेट पर ऑक्सीजन का खाली बाटला लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और इसी मामले में दर्ज FIR पर आज NCP नेता शानू पठान को नौपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया और शानू पठान को फिर जमानत भी मिल गई है। कल पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आपके ऊपर गुनाह दाखिल है, आपको जमानत देना पड़ेगी। इसी के कारण आज सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन में आया था। मालूम पड़ा कि जो ऑक्सीजन कोविड के टाइम पे थाना और मुंबई के हॉस्पिटल में खत्म हुआ था, रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसको लेके जो थाना महानगर पालिका आयुक्त के पास मैंने उसकी मांगनी के लिए गया था। महापालिका इतनी लाचार है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी उसे पुलिस स्टेशन में तकरार करना पड़ी। उसी का गुनाह आज था जिसके ऊपर आज जमानत देने की बात थी, लेकिन पुलिस स्टेशन ने यहीं से मेरी जमानत लेके मुझे यहाँ से रिहा किया।